I wanted to ask Khan sir कि आपका एक एपिसोड था ट्रेन के बारे में कि ट्रेन में ऐसा क्यों होता है शुरुआत में ऐसा हुआ था ये यहाँ पर बोगी के लिए ये कनेक्शन तो ये सोर्स क्या होते हैं आपके कहाँ से आपसे सुन लेंगे उसके बाद खुद का चैनल शुरू करेंगे कुछ चीजें तो ऐसे डायरेक्टली मिल सकती हैं हाँ। और नहीं तो वहाँ ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे पूछ लेते जो वर्कर होते हैं ना उन हाँ। लोग को ज्यादा आइडिया रहता है उन लोग से वो पूछ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है तो ज्यादा ऑन कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज को खुद से अगर जाने रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं तो कई बार वहाँ यार्ड वगैरह में भी चले जाते हैं पता करने के लिए लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था हवाई जहाज पर भी बनाइए आप कहती हैं तो उस पर भी बनाई देंगे बहुत शुक्रिया जी अच्छा सर कई बार ना माँ बाप भी जो मैं ये कहूँगा कि उनकी गलती होती है कि अगर आप बच्चा आपका 4-5 साल का है आप शुरू से उसके मन में डालना शुरू कर देते हो कि इस ये तो इंजीनियर बनेगा हो सकता है बाप इंजीनियर हो वो चाहता है कि ज़रूरी तो नहीं है अब मेरे पिताजी पुलिस में थे जी मेरे मामा सब आर्मी में थे मैं अकेला इस फील्ड में निकला है मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट करती थी ये कहाँ तक सही है सर जी मेरे हिसाब से तो बच्चों पर कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी अगर एक खरगोश हो एक बंदर हो एक हिरन हो एक शेर हो और एक मछली हो उन सब को आप एक कतार में खड़ा कर दीजिए और उन सब के लिए एक ही टेस्ट हो कि आप पेड़ पे सब लोग कैसे चढ़ पाए ओके अब सबको एक टेस्ट कैसे दिया जाए मछली तो आत्महत्या कर लेगी सोच के कि मैं तो कोई पास ही नहीं होंगी ये मछली कैसे पेड़ पे चढ़ेगी राइट लेकिन कई बार ऐसे हो गया ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसी बन गई कि बस ग्रेड्स हो गए सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं right. जो भी किया है और वो भी जरूरी है लेकिन वो करते करते बच्चों के जो इंटरेस्ट है बच्चों के जो पैशन है उसमें उनको एनकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक पिताजी एक बार अपने बेटे को ऐसा चाटा मारे जोर से तो पड़ोसी ने पूछा क्यों मार रहे जी बोला कल रिजल्ट है इसका कल रिजल्ट तो बोले रिजल्ट कल है ना साहब तो आज क्यों मार कल बारगाह जा रहा हूँ कल का काम आज निपट के करता कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि अगर आप बच्चों को अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से नहीं देंगे तो ये चाटे खाते रहते पर ये फेल ही होते रहेंगे बात सुन ओके अच्छा विवेक सर का एक कहना है कि बच्चों का अगर 95% से ज्यादा मार्क्स आते हैं वो भी खतरनाक होते हैं 75 से 85% वाले जो बच्चे होते हैं लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं अच्छा। कभी किसी पेरेंट्स ने आगे कहा कि आपकी वजह से मेरा 95% वाला बच्चा 75 पे आ गया नहीं बेसिकली 95% देखिए स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है जो भी बताया वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल थियोरेटिकल अप्रोच है और उसमें बच्चे को क्या चाहिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट में 10 में से 3 आ रहे हैं उस पर फोकस करने की जगह वहाँ फोकस करो जिसमें 10 में से 7 आ रहे हैं ताकि उसका सुपर स्पेशलिस्ट बने पर वहाँ सब कुछ पोर किया जा रहा है तो 95% के चक्कर में 98% के चक्कर में अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर नहीं पाता है और ये पुराने पैटर्न्स के कारण हमारे यहाँ बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं और पैटर्न इतने मजबूत हैं तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि बच्चे को जो उसको आता है जो उसको भाता है जो बाजार चाहता है जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बच्चा इतना सफल हो जाता है कि उसके मुकाबले कोई और खड़ा नहीं हो पाता क्या बात है बहुत अच्छी बात तो गुरु जी डॉक्टर साहब खान सर आज हमारे जो मेहमान यहाँ पे आए हैं इनके कुछ सवाल हैं तो ये आपसे पूछना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो जी 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 आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं सबसे पहले कौन आ रहे हैं जी मैडम नमस्ते कपिल सर नमस्ते मैम आज आपका शो देख के बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम मैं शो पर आई हूँ लेकिन रियली जो मैंने यहाँ अनुभव प्राप्त किया है वास्तव में कहीं नहीं किया अरे शुक्रिया शुक्रिया कहाँ से हैं मैम आप मैं खारघर से आई हूँ नवी मुंबई अच्छा जी और मेरा नाम कविता अग्रवाल है मेरा प्रश्न गोपाल सर से है मेरे घर में कोई समस्या नहीं है मेरे बेटे की अभी शादी हुई है और मेरा बेटा भी प्यारा है लेकिन उसके साथ उसकी दुल्हन भी बहुत प्यारी आई है लेकिन समस्या और लोगों को है वो जब मेरे जानने वाले हैं बार बार पूछते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है ना मैं समझ नहीं पाती वो इंटरेस्टेड रहती हैं कि कुछ हो रहा है क्या घर के अंदर नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा सब कुछ ठीक चल रहा है इसका जवाब मैं लोगों को कैसे दूँ ये नहीं समझ आ रहा मुझे वही 4 लोग हैं गुरु जी इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी और डिप्लोमेसी का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी जीना और दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि दुनिया को हमको सब कुछ अपने जीवन के बताने की ज़रूरत नहीं होती कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं बहुत उनको बताना ठीक ठाक है लेकिन अगर सबको हमारे जीवन के बारे में बताने लगेंगे तो जीवन कैसे चलेगा तो अगर कोई बोले आपके घर में समस्या है नहीं है कैसे चल रहा है ठीक चल रहा है अच्छा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है बस ये डिप्लोमेटिक आंसर्स हुए
लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसके साथ हमारा रिश्ता बड़ा गहरा हो, उनके साथ तो हम अपने दिल की बात खोल के करेंगे ना। और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जो सुख में हमारा साथ देते हैं ना वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में हमारा साथ देते हैं ना वो फरिश्ते होते हैं। हाय हाय, जिस दिन गलत बोल देना आप। अच्छा। बोलना बड़े झगड़े चल रहे, तलवारें चली गलत। फिर देखना क्या मजे लेते हैं, फिर देखना उनका रिएक्शन क्या है। धन्यवाद मैम शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो कपिल। हेलो सर। मेरा नाम अमित शाह है और मैं सिएटल यूएसए से आया हूँ जस्ट आपके शो के लिए। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है शाह साहब आपका। मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के वीडियोस बहुत फॉलो करते हैं। अच्छा जी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आदमी ने झुक के रहना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो सिचुएशन ऐसी है कि गलती मैं करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, गलती मेरी वाइफ करती है, फिर भी मैं ही माफी मांगता हूँ। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी जो सीख है कि माफी मांगते रहना चाहिए, वो सिर्फ पतियों के लिए है या पत्नियों को भी लागू पड़ती है? बिकॉज उन्होंने, इसने तो आज तक माफी नहीं मांगी मुझसे। आज इस एपिसोड के बाद घर जाके आपको फिर मांगनी पड़ेगी। एक और ऐड हो गई आपकी। मैं कई बार कहता हूँ कि अ मैन हु सेज सॉरी व्हेन ही इज रॉन्ग इज ऑनेस्ट। A man who says sorry when he is not sure is wise. And a man who says sorry even when he is right is called a husband. लेकिन jokes apart, मैं कई बार कहता हूँ इस बात को, रिश्ते झुकने से यदि आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। ना सॉरी बोलना, अपॉलोजी, माफी मांगना, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए कई बार कहते हैं कि मैंने कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, कभी किसी से माफी मांग ली और कभी किसी को माफ कर दिया। वाह, शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। माय नेम इज राजेश तिवारी, सेम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मेरे गुरु भी यहीं पर हैं। मेरा गुरुजी से सवाल है सर। समस्या ये है कि सर, जब मैं घर आता हूँ ऑफिस से थक हार के, सेल्स वाले प्रोफाइल पे हम लोग, अच्छा, तो जब घर पहुँचते हैं तो वाइफ का कभी कभी मुंह है ना सूजा हुआ दिखता है। सूजा? गुब्बारे जैसा मुँह क्या हो गया? तो पूछ लेता हूँ, भाई क्या हुआ है आपको? तो वाइफ कहती है, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ, अब क्या करूँ? फिर 5 मिनट के बाद फिर से जाता हूँ, पूछता हूँ, भाई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? तो बोलती है, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। तो ये सर समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा तो भी प्रॉब्लम है। आप समझना चाहते हैं? हाँ। तो समझ जाइए फिर कि आप कभी नहीं समझोगे। ऐसा नहीं। हेलो हेलो कपिल सर, आप ही हैं वो जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। आज फिर सूझेगा मुंह देखना आप। सर आज भी इनका अफेयर कम नहीं हुआ है। अफेयर के बाद घर में इतनी रौनक आ जाती है, परफ्यूम, सॉन्ग चेंज हो जाता है सब। अफेयर के बाद? अफेयर? हाँ। कौन से अफेयर के बाद? सर इनका अफेयर होता है बिजनेस के साथ। मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट अफेयर है, ये कहती है कुछ और अफेयर है। ओहो, आपका आपसी मसला है, हमको नहीं पता। इसमें तो सारे डर रहे कहीं हमसे ना पूछ ले। हम नहीं जवाब देंगे इस सवाल। इसमें तो गुरुजी भी इधर उधर देखने लग गए, कहीं ये सवाल हमसे ना पूछ ले। बिंद्रा साहब भी इधर देखने लग गए। मेरा गुरुजी से सवाल है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। पहले कई बार ऐसा हुआ करता था, मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ पहले माहौल। जी जी जी। मुझे तो खुद के माइंड को हल्का करना पड़ेगा। पहले ना जब लड़के किसी को प्रपोज करते थे तो बड़ी ऐसी स्पिरिचुअल भाषा में प्रपोज किया करते थे। कि वो लड़की को लड़का कहेगा, मैं शरीर हूँ, तू मेरी आत्मा है। ऐसा टाइप का एकदम स्पिरिचुअल सेंटी टाइप। अभी 2023 में डायलॉग बदल गया है। वो कहता है, मैं स्मार्टफोन हूँ, तू मेरी सिम कार्ड है। और लड़की कहती है, मेरी ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि तेरा स्मार्टफोन ड्यूअल सिम कार्ड वाला नहीं हो। सर गॉट द आंसर। तो आपको जवाब तो मिल गया होगा इस सवाल का। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए जी, कि रिश्तों में कई बार गलत फहमियां बहुत हो जाती है। क्योंकि भारत में मैंने देखा है, हमारे रिश्तों में ना हम दूसरों की बातें सोचते हैं
हम कल्पना कर लेते हैं लेकिन साथ साथ मिलके बैठ के समझौता नहीं करते, समझ नहीं पाते एक दूसरे से, और उन गलत फहमियों से निकलने के लिए बैठ के बात करने की जरूरत होती है। सर आपने जो भी कहा है एकदम सही कहा है, हमारी शादी को 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। हाँ, और जब प्रॉब्लम्स होती है तो ये समझ के ले लेती है बहुत बार, तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, कभी मैं समझ के लेता हूँ तो आगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसी तरह चलते रहता है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, चल रहा है ना, बीच भी निकल गए, आगे भी निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए, शुक्रिया। दोस्तों आज हमारे साथ एशिया की पहली फादर डॉटर की ऐसी जोड़ी मौजूद है जिन्होंने वर्ल्ड की 7 सबसे ऊंची चोटियों के शिखर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना के भारत का नाम रोशन किया है। आप सबकी तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा पद्मश्री अजीत बजाज साहब और उनकी सुपुत्री दिया बजाज। हेलो दिया, वेलकम वेलकम। बजाज सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है सर, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और बताइए सर अपने बारे में कि कैसे शुरुआत हुई? When I got into adventure, I was blessed. The best thing that happened to me in my life was my 2 daughters. They are both here with me, Dia and Meghna, and also my wife. अभी आप बहुत कुछ कह रहे थे और अगर मैंने वाइफ का नाम नहीं लिया तो घर तो जाना है सर। पहाड़ तो चढ़ गए, घर की सीढ़ियां कैसे चढ़ोगे? देखिए as parents we have to introduce our children to various diverse fields. क्योंकि मैं एडवेंचर में था, मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ स्कीइंग जाती हैं, हम स्कूबा डाइविंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं। दिया इज इनटू एक्सट्रीम एडवेंचर, एवरेस्ट चढ़कर तिरंगा फहराकर बहुत खुशी हुई। क्या बात है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यू नो एवरेस्ट जब हम चढ़े एक फादर डॉटर टीम, हम इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि हमारा एक मैसेज था हमारी पूरी देश के लिए कि हम बेटियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू दिया, सो प्राउड ऑफ यू गर्ल। थैंक यू, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।